मैं एक अहम मसला उठा रहा हूं और ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से इस मुल्क में आज हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में एक नफ़रतों की दीवार को बनाया जा रहा है, उनके जहनों को दिलों को बांटने की कोशिश की जा रही है और उनके जहनों को इस तरीके से करप्ट कर दिया जा रहा है कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, रेडिकलाइज कर दिया जा रहा है। और इसी रेडिकलाइजेशन का एक जीती जाती जागती मिसाल हमारे सामने हालिया अरसे में पेश आई। वैसे तो हम मुल्क में कई जगह पर देख रहे हैं कि किस तरीके से कभी लव जिहाद के नाम पे मुसलमानों को मारा जा रहा है, कभी घर वापसी के नाम पर। तो आज मैं आपके ज़रिए बताना यह चाहता हूं कि 31 जुलाई 31 जुलाई को ट्रेन नंबर 12956 जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में जो वाक़या पेश आया, और वो वाक़या ये था कि एक आरपीएफ का कांस्टेबल जिसका नाम चेतन सिंह था, उसने एक तो चार लोगों को गोली मारकर उनकी जान ले ली, जिसमें एक उन्हीं का एक एएसआई ऑफिसर था उसको गोली मार दी, और उसके बाद में तीन लोगों को, मुसलमान थे उसमें, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां थीं, उनको गोली लगाकर कनपट्टी पर एक बोगी से दूसरे बोगी तीन बोगी आगे ले जाता है और ले जाकर उनको गोलियां मारता है, और मारने के बाद यह कहता है कि इस मुल्क में रहना है तो मोदी और योगी को वोट देना पड़ेगा। और अफसोस मोदी और योगी के साथ कहता है कि फिर ठाकरे को वोट देना है। तो मुसलमानों के साथ इतनी नफरत क्यों? और वो लोग जो आज नफरत की बुनियाद पर इख्तदार को हासिल कर रहे हैं या फिर आने वाले कल में इख्तदार को हासिल करना चाहते हैं, ये मुल्क को तबाही व बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। स्पीकर साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि उन तीन मुसलमानों में एक मुसलमान शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखता था, और उस मुसलमान का नाम था सैफुद्दीन। वह सैफुद्दीन अजमेर की दरगाह को गया था, वहां पर उसने दरगाह में जियारत की, और अपने मालिक एक छोटे से मोबाइल की दुकान में काम करता है, अपने मालिक के साथ अजमेर को गया, और उसका सेठ, उसका मालिक उसके साथ में है, वो गैर मुस्लिम है, तो वो परेशान होकर उनकी फैमिली को बोलता है कि हम बॉम्बे पहुंच गए हैं, उतर गए हैं, लेकिन ये बच्चा नहीं है। तो उसके बाद जब आगे जाकर देखते हैं तो उसको गोली मार दी गई है, और हद तो ये है कि एक गोली मारी और जब वो नहीं मरता है तो और एक गोली मारी गई। तो ये नफरत है कि आज तेलंगाना रियासत में हम ऐसी ताकतों को रोकने में 9 बरस में कामयाब हुए हैं, और इंशाल्लाह आगे भी हम इनको रोकेंगे, इनको शिकस्त देंगे, हम इनको बताएंगे कि तेलंगाना में हिंदू मुसलमान आपस में मोहब्बत के साथ रहता है। और आज मुल्क को क्या चाहिए? मुल्क को तरक्की चाहिए, मुल्क को खुशहाली चाहिए, मुल्क को बेरोजगारी का खात्मा चाहिए। आज इसके ऊपर तवज्जो नहीं है, बस सिर्फ नफरत 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 की बात करते हैं। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से मैं दरख्वास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि सैफुद्दीन जो बाजारघाट में रहता है, उसके तीन लड़कियां हैं, एक सबसे बड़ी लड़की 6 साल की, दूसरी लड़की 3.5 साल की, और तीसरी लड़की सिर्फ 6 महीने की है। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा कि इसकी बीवी जो है, इसकी वाइफ अंजुम शाहीन जो है, जो इंटरमीडिएट पास है, इसको एक सरकारी नौकरी अगर देंगे आप तो मैं आपका ममनून और मशकूर रहूंगा। और इसके साथ साथ 2 बेडरूम का फ्लैट अगर मलकपेट में या चंद्रायन गुट्टे में जहां बन रहा है वहां पे एक 2 बेडरूम देंगे, और कुछ ना कुछ इमदाद अगर रियासती हुकूमत की जानिब से इन तीन मासूम बच्चियों के लिए और उसकी बेवा बीवी के लिए अगर दी जाएगी तो एक अच्छा मैसेज जाएगा, और हम बताएंगे कि यह इस रियासत में हम फिरका परस्तों को कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम उन लोगों को आगे बढ़ने नहीं देंगे जो नफरत की बुनियाद पर हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं।
तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा कि 2 बेडरूम का एक फ्लैट और उन बच्चियों को कुछ कंपनसेशन और सरकारी नौकरी देंगे तो हम काफी ममनून मशकूर रहेंगे आपके, और इसको जरूर मुसलमान याद रखेंगे, और आपके इस इकदाम का मुसलमान सारी रियासत में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में इस इकदाम की सताइश भी करेंगे। I stand with my friend Akbar Owaisi in expressing wholehearted condolences to that family, sir. Jangagoda paper mein jo padha tha sir, Akbar sahab, bahut bura laga, bahut hi giro digajarina chandalapu rajakeeya adhyaksha id manchit kaadu. Definitely I assure you sir, you please give me a letter. The lady who is now a widow, unfortunately, we will ensure that an employment is provided immediately. मैं कल ऑर्डर मैं दे देता हूँ 100% गवर्नमेंट में, या तो GHMC HMDA या QQSUDA, कहीं ना कहीं बच्ची को वहाँ पर इमीडिएटली रोजगार मैं दे देता हूँ। साथ ही साथ 3 जो छोटे बच्चे हैं, मैं गवर्नमेंट की तरफ से तो फिलहाल नहीं बोल सकता क्योंकि CM साहब ने एक बार उनसे पूछना पड़ेगा, बट हमारे BRS पार्टी की तरफ से एक एक बच्ची के नाम पर 2-2 लाख रुपया हम डिपॉजिट करेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ मजलिस पार्टी भी आ जाएगी, आप भी कुछ देंगे, दोनों मिलके हम लोग उनको अच्छा सा अच्छा, उनके फैमिली की हिफाजत के वास्ते, बच्चों की हिफाजत के वास्ते, हम एक एक बच्चे के नाम पे 2-2 लाख रुपया डिपॉजिट करेंगे। आप भी कुछ करिए, फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ करने की कोशिश भी बिल्कुल करेंगे। साथ ही साथ डबल बेडरूम आपने कहा, मैं इमीडिएटली कल ही ऑर्डर देता हूँ, आप ही आइए, दोनों मिलकर उनको एक घर भी दिला देंगे।